रामदास फलांगे, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं विज्ञान विषय का नवा इकाई, जिसका नाम है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग बहुत सारे जानकारी लिए थे, साथ ही अपवर्तनांक के बारे में भी जानकारी लिए थे, है ना। अपवर्तनांक क्या होता है, तो मैं आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होती है, हमारी आपतित होती है या जाती है, तो वो किस ओर आपतित होगा, किस ओर विचलित होगा, किस ओर नहीं होगा, तो उसका अनुमान लगाना ही हमारा क्या होता है, अपवर्तनांक कहलाता है। और अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश का निर्वात में चाल और प्रकाश का उस माध्यम में चाल। मतलब प्रकाश जो होगा वो हवा से ही क्या होगा, अन्य माध्यम में प्रवेश करेगा, तो हवा का जो क्या होगा, हवा में प्रकाश का जो चाल होगा उसको देखेंगे, और जो हमारा क्या होगा, प्रकाश का उस माध्यम में कितना चाल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जब भाग दे देंगे तो हमको जो है जो भी प्रकाश का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, जिसको हम लोग क्रियाकलाप 5 से क्या करते हैं, समझते हैं। ये जो हमारा क्रियाकलाप जो 5 है, ये हमारा क्रियाकलाप 5 जो है, इसको समझने के लिए और प्रकाश का अपवर्तन कितना होगा उसको समझने के लिए हम लोग क्रियाकलाप जो 3 है, उस क्रियाकलाप 3 की ओर जाते हैं, और जा करके फिर क्या करते हैं, उनके सहायता से ही किस प्रकार से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग क्रियाकलाप जो 3 है उनके अनुसार क्या लेंगे, कांच के गुटका लेंगे, उसमें आपतित किरण ए बी करेंगे, फिर उसमें अपवर्तित क्या हो जाएगा, वो ओपी हो जाता है ना। तो वो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर करते हैं, तो इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं, फिर आपको चित्र के माध्यम से क्या करेंगे, आप समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझाऊंगा, फिर क्रियाकलाप 3 के प्रयोग का चित्र हम लोग फिर से लेंगे। उनमें आपतन बिंदु क्या था हमारा, ओ था, उस पर प्रकार की नोक की सहायता से एक वृत्त खींचेंगे, जो आपतित किरण ए बिंदु पर क्या करेगा, उसको काटेगा, आपतित जो किरण होगा उसको बिंदु ए पर काटेगा, अपवर्तित जो किरण है ओपी उसको वृत्त में जो कटान बिंदु होगा वो एफ होगा, हमारा क्या होगा, हमारा एफ बिंदु पर क्या करता है, हमारा अपवर्तित किरण को क्या करता है, हमारा जो काटता है वो एफ होगा। अब इन्हें आपतित व अपवर्तित किरण के क्रमशः बिंदु एफ और एफ के लंब M1 और M2 से दूरी पता लगाएंगे, फिर इसके लिए ए और एफ को रेखा M1 और M2 से क्रमशः खींच करके उन्हें क्रमशः AX और FY नाम देंगे। और इसकी जो है विधि जो है कक्षा 6 में आप गणित विषय में पढ़े हैं, जहाँ से फिर क्या करेंगे हम AX और FY जो है उनके जो मान रहेगा उसको स्केल की सहायता से हम दोनों की दूरी को नाप लेंगे और दोनों का क्या कर देंगे, अनुपात कर देंगे, तो फिर आपको उनका जो भी अपवर्तनांक है वो क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर अपवर्तनांक को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से म्यू ए हो जाता है हमारा AX अपान क्या होता है हमारा FY क्या किया जाता है, लिखा जाता है, इसको इस तरीके से क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, और यही आपका क्या कहलाता है, अपवर्तनांक को शो करता है। यह कांच के प्रकार पर निर्भर करता है, हवा से कांच के अपवर्तनांक का मान 1.5 जो है 5 के लगभग आता है। जब आप क्या करते हैं, हवा से कांच में प्रकाश को क्या करते हैं, आप आपतित करते हैं, तो वहाँ पर उसका अपवर्तनांक लगभग कितना आता है हमारा, 1.5 के लगभग उसका अपवर्तनांक आता है। जब आप क्या करते हैं, हवा से अर्थात निर्वात से जब प्रकाश की किरण को कांच में क्या करते हैं, जब आप जो है आपतित करते हैं, तो उसका मान जो है AX और FY में अगर भाग दे देते हैं, तो उसका मान लगभग कितना आता है, 1.5 के लगभग आता है। और आपके प्रयोग द्वारा गुटके के कांच का अपवर्तनांक क्या आया, आप इसी विधि से जो आपतन कोण होता है, जिसको हम लोग एल कोण AI से प्रदर्शित करते हैं, का उसका मान बदल लेने से आपका अपवर्तनांक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपवर्तनांक का जो मान होता है वो कोण पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि अपवर्तनांक का जो मान होता है वो मान आपका किस पर निर्भर करता है, आपका प्रकाशीय माध्यम की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। यही काम आप क्या कर सकते हैं, दूसरा हमारा जो आपतित और परिवर्तित किरण होता है उस पर भी क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बताया गया है कि हवा से कांच में या कांच से हवा के अपवर्तनांक की तुलना से आप समझ सकते हैं कि अपवर्तनांक अगर 1 से क्या होता है ज़्यादा आता है, तो समझ जाओ कि वहाँ पर प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है और लंब की ओर क्या होता है, वो झुक जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपवर्तनांक 1 से कम आता है, तो समझ जाओ कि प्रकाश का किरण जो होता है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है और वो अभिलंब से क्या हो जाता है, आपका दूर हट जाता है। तो इसको हमको यहाँ पर क्या करना है, उसको समझना है, जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं उनको यहाँ पर हम समझेंगे।
ये क्रियाकलाप कितना लेते हैं? पाँच लेते हैं। ये जो क्रियाकलाप पाँच है वो किसके अनुसार होगा? क्रियाकलाप तीन के अनुसार होगा, जिसमें हम लोग ये क्या करते हैं इस प्रकार से कांच का एक क्या लेते हैं, गुटका लेते हैं, और इस कांच के गुटका पर हम क्या करते हैं एक समतल दर्पण से, ये हमारा एक समतल क्या है, हमारा दर्पण है, ये हमारा क्या होगा, हमारा समतल, और ये हमारा क्या है, दर्पण। इस समतल दर्पण को हम क्या करते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि सूर्य से आने वाले जो भी हमारा किरण होता है, ये किरण समतल दर्पण से टकराने के पश्चात क्या करता है, हमारा कांच के गुटका पर इस प्रकार से क्या होता है, आपतित होता है। इस किरण को हम नाम क्या दे देते हैं, ए बी कर देते हैं, जो कि क्या करता है, हमारा कांच का जो गुटका होता है उस पर आपतित होता है। ये आपतित किरण कांच के गुटके के जिस बिंदु पर क्या होता है, हमारा आपतित होता है, उसको हम लोग वो मानते हैं, और ये जो वो होता है वो आपतन क्या होता है, बिंदु होता है। अब जैसे ही हमारा क्या होता है आपतित किरण ए बी, ये हमारा कौन सा किरण है भाई, हमारा आपतित किरण है ना, आपतित क्या है, हमारा किरण है। तो ये जो आपतित किरण ए बी जब आपतन बिंदु जो क्या होता है वो पर आपतित होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा ये जो है अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो जाता है आपका, इस प्रकार से विचलित हो जाता है, और इस प्रकार से स्थिति जो हम पहले पढ़े हैं वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर ओ नाम है, और इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं। तो ये हमारा ए बी क्या है, आपतित किरण है, जो आपतन बिंदु ओ पर क्या होता है, हमारा आपतित होता है, और ओ पी में क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपतन बिंदु क्या होता है हमारा जो ओ है, उस पर एक अभिलंब खींच देते हैं, जिसका नाम हम एम वन और हम क्या कर देते हैं M2 दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा M1 और M2, उभर M1 हो गया और ये क्या हो जाता है हमारा M2 हो जाता है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है अभिलंब है, अब यहाँ पर दोनों अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है आपतन कोण होता है, और अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वो हमारा क्या होता है आपका, ये जो है हमारा क्या होता है आर होता है, ये हो गया। इधर हम लोग बाकी कर सकते हैं, ये हमारा सी डी होता है, और यहाँ पर भी हम लोग ये क्या करते हैं अभिलंब खींच देते हैं, इसको हम लोग क्रमशः एन वन और एन टू नाम दे देते हैं। यहाँ पर का जो मान है आई है, और ये मान हमारा क्या होता है ई होता है। अब हम क्या करते हैं, आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित हो रहा है वहाँ पर हम क्या लेते हैं, प्रकार की नोक को इस प्रकार से रखते हैं, और प्रकार को नोक को रख करके इस प्रकार से क्या करते हैं उस पर एक जो है वृत्त क्या कर देते हैं हम लोग, खींच देते हैं। तो जब हम क्या करते हैं आपतन बिंदु ओ पर जो है प्रकार का एक नोक रख के जब हम क्या करते हैं वृत्त बनाते हैं, तो जो वृत्त होता है वह आपतित किरण को एक बिंदु हमारा ए पर क्या करता है, काटता है। ये जो हमारा क्या होता है आपतित किरण है, इस आपतित किरण को हमारा ये जो क्या होता है वृत्त होता है वह एक बिंदु किस पर काटता है, हमारा ए पर क्या करता है, काटता है। उसी प्रकार ये जो हमारा परिवर्तित किरण है या अपवर्तित जो किरण है, इस अपवर्तित किरण को ये जो हमारा वृत्त होता है वह एक बिंदु F पर क्या करता है, काटता है। किस पर काटता है, हमारा F पर काटता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि यहाँ पर जो आपतित किरण था जो क्रियाकलाप तीन के अनुसार था, तो आपतित किरण जिस बिंदु O पर आपतित होता है अर्थात आपतन बिंदु पर आपतित होता है, वहाँ पर अगर हम प्रकार का एक क्या करते हैं नोक को रख करके अगर हम क्या करते हैं वृत्त बनाते हैं, तो ये जो वृत्त होता है वह आपतित किरण को एक बिंदु ए पर काटता है और परिवर्तित किरण को बिंदु एक बिंदु एफ पर काटता है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो आपतित किरण को काट रहा है जो बिंदु ए है उसको, और ये जो अभिलंब होता है उसको हम इस प्रकार से क्या कर देते हैं, इस प्रकार से जोड़ देते हैं और इसको नाम दे देते हैं एक्स। इसी प्रकार क्या होता है हमारा ये जो अपवर्तित किरण जो है जिसको एफ बिंदु पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं वो, और ये जो एफ टू होता है उनके बीच में हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं दोनों को एक रेखा से जोड़ देते हैं और इसको हम लोग क्या कर देते हैं वाई नाम क्या कर देते हैं दे देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है हमारा ये जो हमारा क्या होता है जो एक हमारा रेखा से जोड़ते हैं तो हमको एक एक्स प्राप्त हो जाता है और हमारे पास यहाँ पर एक जो है एफ वाई क्या होता है प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं ये जो ए एक्स होता है उसको स्केल की सहायता से इसकी दूरी कितना है उसको नाप लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है जो है एफ वाई की दूरी कितना है उसको हम लोग क्या करते हैं नाप लेते हैं, और ये हमारा जो सूत्र हम लोग जो लिखे हैं उस साइड है ना म्यू, उसमें क्या कर देते हैं इस मान को क्या करते हैं रख देते हैं। तो ये म्यू हो जाता है और ये हमारा क्या होता है ए एक्स अपॉन क्या होता है हमारा ये हो जाता है हमारा एफ वाई ये हमारा होता है। तो यहाँ पर जो भी मान आता है स्केल की सहायता से इसको नापने से और इसको नापने से जो भी मान आता है उस मान को अगर हम क्या करते हैं देखते हैं तो इसका मान कितना होता है हमारा 1. क्या होता है 5 के करीब क्या होता है हमारा आता है। जब क्या करता है हमारा यहाँ पर जो भी कांच के जो गुटका होता है जिस पर विरल माध्यम से क्या करता है जब प्रकाश का क्या किया जाता है प्रवेश कराया जाता है, तो यहाँ पर इनका जो मान होता है वो कितना आता है हमारा
1.5 आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपतित किरण हो रहा है वो विरल माध्यम है और कांच के गुटके पर टकरा रहा है वो सघन माध्यम है। तो कांच और जो हवा है उसमें अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक कितना आता है हमारा 1.5 पर आता है। और ये जो अपवर्तनांक का मान होता है वह कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है। जो भी निर्भर करता है वो हमारा जो क्या होता है प्रकाशीय माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है कि वो माध्यम सघन है या विरल है, उस पर ही अपवर्तनांक क्या करता है आपका निर्भर करता है। तो इस तरीका से इसका मान कितना होता है हमारा 1. क्या हो जाता है 5 प्राप्त हो जाता है। अब ये देखा गया है कि अगर आप क्या करते हैं इस प्रकार से इनका भी आप क्या कर सकते हैं जस्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप पी का भी मान रखेंगे और इस प्रकार से अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर वृत्त खींचेंगे तो उसी स्थिति में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कोई बिंदु पर काटेगा तो इसको हम लोग खींच लेंगे, इसको हम लोग खींच लेंगे और दोनों का मान क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो जनरली कांच से निर्वात या निर्वात से कांच में जो अपवर्तनांक मान आता है वो 1. कितना आता है 5 आता है। और इसके बेसिस पर और बाकी जो है उनकी स्थिति को पता लगा सकते हैं। यदि हमारा अपवर्तनांक का जो मान है वो 1 से अधिक आता है ना, अगर हमारा अपवर्तनांक का मान है, इसका मान हमारा अपवर्तनांक अपवर्तनांक का मान कितना से भाई 1 से अधिक आता है, एक से अधिक आता है तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर क्या होता है हमारा 1 से ज़्यादा आ जाता है तो हमारा जो प्रकाश होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, वो जाएगा जो है प्रकाश जो होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है। प्रकाश है ना, किरण कहाँ से भाई सघन माध्यम से नहीं विरल माध्यम से किधर जाएगा हमारा सघन माध्यम की ओर जाएगा, सघन माध्यम में क्या करता है प्रवेश करता है तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो आपको क्या बोल रहा है, यदि आप किसी का अपवर्तनांक का मान क्या करते हैं ज्ञात करते हैं और अपवर्तनांक का मान 1 से क्या आता है ज़्यादा आता है, जैसे इसमें 1 से मान क्या है हमारा ज़्यादा आ रहा है तो समझ जाओ वहाँ पर प्रकाश की किरण किस माध्यम से विरल माध्यम से किस में प्रवेश कर रहा है सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। और जब भी अगर ऐसा होता है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है मतलब प्रकाश का जो किरण होगा वो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है हमारा झुक जाता है, किधर झुक जाता है हमारा अभिलंब की ओर। जैसे हमारा ये देखो ए बी क्या होता है हमारा, ए बी जो होता है ये हमारा कौन सा माध्यम होता है विरल माध्यम होता है। ए बी जहाँ से कर रहा है वो कौन सा माध्यम है विरल माध्यम है और कांच के गुट का कौन है सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस में कर रहा है सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो आप देख रहे हो अपवर्तित जो किरण है वो किधर की ओर झुक रहा है अभिलंब की ओर झुक रहा है क्योंकि यहाँ पर अपवर्तनांक का मान 1 से कितना है हमारा ज़्यादा आया है। जस्ट अगर हम दूसरा बात करें तो यदि अपवर्तनांक का मान अपवर्तनांक का मान 1 से कम आता है आता है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से किसमें हमारा भाई विरल माध्यम में क्या करता है प्रवेश करता है तो प्रकाश अभिलंब से दूर हट जाता है अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इस तरीका से आप बता सकते हैं कि यदि हमारा प्रकाश सघन माध्यम से फिर से किस में जाता है विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से क्या हो जा रहा है हमारा देख रहे हो आप दूर हट जा रहा है। यही इसमें क्या करना था आपको बताना था, यही है और इसमें कुछ नहीं है। तो अपवर्तनांक अगर 1 से क्या है ज़्यादा है
तो हमेशा विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश प्रवेश करेगा और हमारा जो है अपवर्तित जो किरण होगा वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और यदि हमारा अपवर्तनांक का मान 1 से क्या आता है, कम आता है, उस स्थिति में प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा और उस स्थिति में अपवर्तित जो किरण होगा वो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, जैसे कि हमारा दूर हट रहा है। तो पहले वाला जो स्थिति होगा उस स्थिति में जो हमारा A1 का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा और Y और F का मान क्या होगा, कम होगा। दूसरे स्थिति में क्या होगा, हमारा N और यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो मान रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग A और यहाँ पर X लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं, F और क्या लेते हैं, Y लेते हैं। तो दूसरे स्थिति में A1 का मान क्या होगा, कम होगा और Y और F का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दोनों स्थिति में इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। यही चीज़ इसमें दिखाया गया है, तो इस तरीका से आप कर सकते हैं भाई। तो ये हो गया हमारा क्रियाकलाप, कितना हो गया हमारा 5। अब लिखेंगे हम लोग लेंस से अपवर्तन। किससे अपवर्तन देखेंगे, लेंस से अपवर्तन। इतना देर से हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन, अब हम पढ़ेंगे लेंस से अपवर्तन। लेंस मतलब क्या होता है भाई, लेंस एक ऐसा वस्तु है जिनके दो पृष्ठ होता है। दो पृष्ठ मतलब एक ये वाला पृष्ठ और एक दो पृष्ठ, ये दो पृष्ठ हैं। जैसे हमारा हाथ है तो एक पृष्ठ इस साइड, एक पृष्ठ इस साइड, ठीक है। तो हम लोग लेंस में अपवर्तन देखेंगे, तो सबसे पहले हमको देखना है कि लेंस क्या होता है, ये पहले जानेंगे। तो यहाँ पर वही दिया गया हमारा कि दो पृष्ठों से घिरे हुए उस पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसका एक पृष्ठ क्या होता है, गोली होता है और दूसरा जो पृष्ठ होता है गोली या समतल होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। तो दो पृष्ठ मतलब इस वाला पृष्ठ और ये सेकेंड पृष्ठ। पृष्ठ क्या होता है, ऊपरी सतह को पृष्ठ कहते हैं भाई। तो दो पृष्ठ से घिरे हुए उस पारदर्शी माध्यम को, दो पृष्ठ मतलब एक पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ, तो दो पृष्ठों से घिरे हुए उस पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं, जिसका एक पृष्ठ कैसा होता है, गोली होता है, मतलब इस प्रकार से बोल सकते हैं, और दूसरा पृष्ठ गोली हो सकता है या तो आपका क्या होता है, इस प्रकार से समतल होता है, ठीक है। वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा लेंस कहलाता है। तो यहाँ से आप लेंस की परिभाषा क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि दो पृष्ठों से घिरे हुए वह पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ गोली होता है और दूसरा पृष्ठ गोली भी हो सकता है या समतल हो सकता है, लेंस कहलाता है। और यहाँ पर लेंस को दो भागों में बांटा गया है, पहला हमारा उत्तल लेंस और दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा अवतल लेंस। तो दो प्रकार का हमारा क्या होता है, हमारा लेंस होता है। तो पहले आपको लेंस पता होना चाहिए, फिर प्रकार पता होना चाहिए, और आगे प्रकार को हम लोग समझने वाले हैं। तो लेंस किसे कहते हैं भाई, तो दो पृष्ठों से, कितना पृष्ठों से, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ क्या होता है, उभरा होता है, या एक पृष्ठ उभरा होता है और दूसरा पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, ऐसे जो पारदर्शी माध्यम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। और लेंस यहाँ पर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का दिया गया है, पहला उत्तल लेंस और दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा अवतल लेंस। अब हम चलते हैं उत्तल लेंस क्या होता है और जो है आपका अवतल लेंस क्या होता है। जनरली हमारा अवतल और उत्तल में फ़र्क ये है कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसका दोनों पृष्ठी जो सतह होता है ना, या पृष्ठी जो क्षेत्रफल होता है, वो दोनों क्या होता है आपका, उभरा होता है। दोनों क्या होता है आपका, उभरा होता है, ठीक है। जो हमारे और जो अवतल होता है उसका एक तरफ उभरा रहता है और एक तरफ हमारा क्या होता है, हमारा समतल होता है। तो उसी के आधार पर पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं उत्तल और किसके पास, अवतल। यहाँ पर आपको दिया गया है, एक उत्तल लेंस के बारे में बताया गया है इस प्रकार से, और एक हमारे किसके बारे में बताया गया है, अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है, तो ये लेंस बीच में क्या होते हैं, मोटे होते हैं, तथा किनारे में क्या होते हैं, पतले होते हैं। तो ठीक तो बोल रहे हैं भाई, अभी जैसे हम बता रहे थे उसी प्रकार कि इस प्रकार का जो लेंस होता है तो इसमें दोनों सतह क्या होता है, हमारा इस प्रकार उभरा होता है। तो आप देख रहे हैं कि बीच वाला क्या है, मोटू है, या मतलब उभरा हुआ है, मोटा है, और ये जो किनारे किनारे हैं क्या है, पतला है। ये देखो तो बीच वाला मोटा दिख रहा है और किनारे किनारे क्या होता है, पतला होता है, मतलब इनके दोनों पृष्ठ क्या होता है, आपका गोली पृष्ठ पाया जाता है, ठीक है। मतलब वह लेंस जिनके दोनों पृष्ठ क्या होता है, गोली होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। या ये बोल सकते हैं कि वह लेंस
जो बीच से मोटा होता है और किनारे किनारे क्या होता है हमारा पतला होता है, ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं, हम लोग जो है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहा जाता है। और इस प्रकार के लेंस पर अगर हम क्या करते हैं, सूर्य का जो प्रकाश है उस सूर्य प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। इस प्रकार के लेंस में अगर हम क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश को क्या कर रहे हैं भाई, फोकस कर रहे हैं। जैसे ये हम क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश को क्या करते हैं हम लोग जब फोकस करते हैं इस पर, तो ये एक केंद्र पर जाके क्या होता है हमारा, इस प्रकार से आपतित होता है। मतलब जब हम उत्तल दर्पण में क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश को डालते हैं ना, तो सारे किरण एक बिंदु पर क्या करके जा करके क्या होता है, आपतित होता है। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये लेंस किरणों को अभिसारित करता है, अर्थात किसी बिंदु पर क्या कर देता है, एक जगह केंद्रित कर देता है, फोकस कर देता है। अतः इन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप क्या करते हैं, उत्तल जो दर्पण होता है उस दर्पण पर, या उत्तल जो लेंस होता है उस पर अगर आप क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश क्या करते हैं, फोकस करते हैं, तो जो उत्तल लेंस होता है उसको एक बिंदु पर जाके क्या कर देता है, उसको केंद्रित कर देता है। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये हो गया हमारा किससे रिलेटेड, उत्तल लेंस से रिलेटेड बातें। तो उत्तल लेंस क्या होता है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस वह लेंस होता है जिस लेंस में बीच वाला भाग जो है मोटा होता है, किनारे वाला भाग पतला होता है, और जब इस पर प्रकाश डाला जाता है तो ये प्रकाश को एक बिंदु पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। इस वजह से इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके जस्ट उल्टा अवतल लेंस, ये लेंस जो होता है बीच में क्या होता है पतला होता है, और किनारे किनारे क्या होता है आपका मोटा होता है। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है अवतल लेंस कहते हैं। और इस लेंस पर अगर हम क्या करें, प्रकाश को क्या करें, अगर आपतित करें, तो ये प्रकाश को एक बिंदु पर जो है केंद्रित न करके उसको क्या कर देता है, फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है, और फैला देता है। इस वजह से क्या होता है हमारा प्रकाश जो है फैल जाता है। जैसे आपका जो ये लाइट है ये प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है भाई। मतलब ये क्या होगा हमारा, अवतल लेंस होगा। लेकिन जो टॉर्च होता है आपके घर में, आप देखेंगे जब टॉर्च क्या करते हैं हम लोग जब चालू करते हैं, तो प्रकाश को फैलाने की बजाय क्या करता है, एक पर फोकस करता है। क्या करता है, किसी निश्चित पॉइंट पर फोकस करता है। मतलब वो हमारा उत्तल लेंस है। और जो आपका जो स्टिक लाइट लगा होता है ना आपके गाँव में जो लगा रहता है, ठीक है, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकाश को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। तो आप इससे उदाहरण ले सकते हैं। तो हमारा जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाश को क्या करता है, हमारा फैलाने का काम करता है। इस वजह से इसे अपसारी लेंस के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस तरीके से लेंस कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया, ठीक है, उत्तल और अवतल लेंस हो गया। और यहाँ पर जो अवतल है उत्तल है, ये लेंस को पुनः निम्न भागों में क्या किया गया है और बांटा गया है। देखते हैं कितने भागों में, ये हमारे कुछ लेंस दिया गया है हमारा उत्तल और अवतल से रिलेटेड। ये तो हमारा उत्तल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हमारा अवतल है। यहाँ पर देखो हमारा 100, ये हमारा देख रहे हैं 20 से हमारा क्या है, पतला है। किनारे क्या है हमारा, मोटा है, मतलब अवतल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आकृति यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो गया आपका लेंस से रिलेटेड बातें। अब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको पढ़ना है ना, लेंस से संबंधित। अभी हम जो लेंस पढ़े हैं उस लेंस से संबंधित हमको कुछ क्या देखना है, परिभाषा देखना है भाई, है ना। परिभाषा मतलब कुछ कुछ चीज़ हमको जानना है, किसके बारे में, लेंस के बारे में, ठीक। ओके, पहला है मुख्य अक्ष। पहला क्या है हमारा, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होता है उनको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्र, ये हमारा क्या होता है, ये लेंस है, और इन दोनों लेंस के जो पृष्ठी सतह है उसके जो वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र मतलब क्या होता है हमारा, कुल मिला के यदि हम क्या करें, ये जो हमारा दर्पण है ना, इस दर्पण को अगर इस प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो वहाँ पर एक जो है इनके बिंदु से यहाँ तक के एक जो बीच की दूरी आता है वो वक्रता केंद्र को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो मुख्य हमारा जो क्या होता है, हमारा जो अक्ष होता है वो क्या करता है, दोनों लेंस है ना, लेंस के दोनों जो हमारे क्या होते हैं पृष्ठी जो भाग होता है, उस पृष्ठी भाग के जो वक्रता केंद्र होता है,
इस वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली जो क्या होता है हमारा ये जो रेखा होता है उस रेखा को ही हम क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर C1 और C2 इसके क्या हैं मुख्य अक्ष हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से करता है कि मुख्य अक्ष से आप क्या समझते हैं तो आप बोल सकते हैं कि लेंस के दोनों पृष्ठों के जो वक्रता केंद्र होता है उस वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो भी रेखा होता है उस रेखा को हम क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। पहला वाला जो है हमारा उत्तल दर्पण को शो कर रहा है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण में हमारा मुख्य अक्ष हो गया। और ये वाला जो है हमारा वो अवतल दर्पण को क्या कर रहा है प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा वाला कौन सा दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण, और परिभाषा तो सेम होगा हमारा अवतल और ये क्या होता है हमारा दर्पण। तो यहाँ पर दोनों दर्पण के लेंसों के दोनों हमारे क्या होते हैं जो पृष्ठ होते हैं उन दोनों पृष्ठ के जो वक्रता हमारा क्या होता है केंद्र होता है इस वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो भी हमारी क्या होती है रेखा होती है उसे ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष उत्तल दर्पण के लिए है और ये वाला जो मुख्य अक्ष है वो अवतल दर्पण के लिए होता है। तो इस तरीका से मुख्य अक्ष को हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। आगे हमारा प्रकाश केंद्र, आगे हमारा क्या है प्रकाश केंद्र, दूसरा हमारा लेंस से संबंधित परिभाषा है प्रकाश केंद्र। यह लेंस का केंद्र से केंद्र यह लेंस का केंद्र है जिससे प्रकाश बिना मुड़े क्या हो जाता है आपका गुजर जाता है। क्या बोल रहा है हमारा प्रकाश केंद्र, क्या बोल रहा है, यह लेंस का केंद्र बिंदु होता है प्रकाश केंद्र जिससे जिसमें से प्रकाश बिना मुड़े क्या हो जाता है गुजर जाता है। तो ये आपको क्या बोल रहा है कि ये देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो खींचे थे वो पहले क्या था हमारा, ये मुख्य अक्ष था, ये हमारा क्या था मुख्य अक्ष था जो कि दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को क्या कर रहा था मिला रहा था। हमारा जो प्रकाश केंद्र होता है ये किसी भी हमारा लेंस का क्या होता है हमारा केंद्र बिंदु होता है। और इस केंद्र बिंदु से जब कोई प्रकाश क्या होता है हमारा जो है जब गुजरता है तो वो प्रकाश जो है बिना मुड़े डायरेक्टली क्या हो जाता है वो आर पार क्या हो जाता है आपका निकल जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है प्रकाश केंद्र कहलाता है। तो किसी भी लेंस का जो केंद्र बिंदु होता है जो केंद्र होता है उस केंद्र से जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है गुजरता है तो बिना विचलित हुए बिना मुड़े आर पार क्या हो जाता है निकल जाता है। तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं प्रकाश केंद्र के नाम से जानते हैं। तो ये शुरू वाला जो है उत्तल दर्पण पहले जैसा उत्तल दर्पण को शो करता है और दूसरा वाला जो होता है वो हमारा अवतल दर्पण को क्या करता है शो करता है। तो दूसरा वाला कौन सा है भाई हमारा, ये अवतल दर्पण है, हमारा क्या है अवतल दर्पण और ये हमारा क्या होता है हमारा उत्तल दर्पण। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं प्रकाश केंद्र को बता सकते हैं। आगे हमारा मुख्य फोकस दूरी है ना, ये हमारा क्या दिया है मुख्य फोकस दूरी, ये हमारा क्या किया गया है दिया गया है। तो मुख्य फोकस दूरी क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरण लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है ना या मिलती हुई प्रतीक होती है वही मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। तो क्या बोल रहा है हमारा कि हमारे पास जैसे इस प्रकार से क्या दिया है हमारा एक लेंस क्या किया है दिया गया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है मुख्य फोकस क्या है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कौन होता है हमारा, ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष है जैसे C2 और ये हमारा क्या है C1, इसे हम लोग क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष है के समांतर आने वाली जो क्या होता है हमारा जो किरण होता है ये किरण है ना लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जिस बिंदु है ना मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या होती है मिलती है वो मिलती हुई प्रतीक होती है तो हमारे क्या कहलाती है हमारी मुख्य फोकस। तो क्या बोल रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, तो ये हमारा मुख्य अक्ष है इसके समांतर आने वाली जो हमारी क्या होती है जो किरण होती है हमारी क्या होती है हमारी आने वाली जो क्या है किरण है। तो इसको हम लोग देख देते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी आने वाली जो क्या होती है हमारी जो किरण होती है वह लेंस से निकलने के बाद जैसे लेंस से क्या होती है हमारी ये निकलती है तो लेंस से निकलने के बाद लेंस से क्या होता है हमारा निकलने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या करती है आपकी मिलती है ये हमारी क्या कहलाती है आपकी मुख्य फोकस क्या कहलाती है आपकी नाम से जानी जाती है मुख्य फोकस के नाम से क्या करती है जानी जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो भी हमारी क्या होती है जो प्रकाश किरण होती है
और लेंस से टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से क्या होती है वो मिलती है ना, वही हमारी क्या कहलाती है, मुख्य फोकस कहलाती है। और अवतल लेंस के संदर्भ में जो है मुख्य फोकस कहलाती है, और इसमें ये हमारा मुख्य फोकस के नाम से जानी जाती है। तो उत्तल हो गया, उसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं अवतल को भी क्या कर सकते हैं यहाँ से बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इस तरीका से इसको क्या किया जाता है हमारा, बताया जाता है। तो इस तरीका से हम मुख्य फोकस दूरी को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया मुख्य फोकस दूरी, ये हो गया हमारा। अब मुख्य अक्ष कौन है भाई, इसमें मुख्य अक्ष हमारा ये है हमारा। और जब इस पर क्या पड़ेगा कोई किरण क्या होगा आपका आपतित होगा, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा इस प्रकार से मुख्य फोकस बिंदु के जिस बिंदु से क्या करेगा वो काटेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा मुख्य फोकस। आगे दिया है फोकस दूरी एफ, जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, यह मुख्य फोकस, इसको हम लोग जो है दूसरा से हम लोग क्या करते हैं दर्शा देते हैं। तो मुख्य फोकस, मुख्य फोकस दूरी क्या होता है, यह मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी होता है। ये मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी, मतलब प्रकाश केंद्र ये है और ये हमारा क्या है मुख्य फोकस अक्ष ये है, है ना। तो मुख्य फोकस अक्ष कौन है हमारा, ये हमारा मुख्य फोकस अक्ष, मुख्य फोकस अक्ष है, और ये हमारा क्या है फोकस केंद्र है, या ये बोल सकते हैं हमारा प्रकाश केंद्र है, प्रकाश क्या है हमारा केंद्र है। तो मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र की बीच की जो दूरी होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है, या फोकस दूरी कहते हैं। तो इस तरीका से मुख्य फोकस और फोकस दूरी को बता सकते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है, तो जो भी हमारा क्या होता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले जो किरण है वो लेंस से टकराने के पश्चात जब क्या होती है परिवर्तित होती है और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाके वो क्या करती है आपका मिलती है, वो हमारी क्या कहलाती है, मुख्य फोकस कहलाती है। और किसी भी लेंस का जो केंद्र बिंदु होती है वो प्रकाश का केंद्र कहलाती है, और प्रकाश के केंद्र है ना और मुख्य फोकस के बीच की जो क्या होती है हमारी दूरी होती है वो फोकस दूरी, जिसे एफ से क्या की जाती है प्रदर्शित की जाती है, क्या की जाती है बताई जाती है। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। आगे कुछ और दिया है हमारा, वो दिया हमारा लेंस से बने प्रतिबिंबों की रचना के कुछ नियम दिया गया हमारा, लेंस से बने प्रतिबिंबों की रचना के कुछ नियम दिया है। जैसे पहला दिया है जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है वह बिना विचलन सीधी चली जाती है। जस्ट हम लोग देखे हैं ये हमारा क्या होता है प्रकाश केंद्र होता है, और जब इस प्रकाश केंद्र से कोई किरण क्या होती है उस प्रकाश किरण उस केंद्र पर आपतित होती है तो बिना विचलित हुए क्या हो जाती है वो आर पार क्या हो जाती है चली जाती है। ये आपको क्या करना है देखना है, इसमें भी आपको दिख रहा है कि वो आर पार क्या हो रहा है निकल जा रहा है, लेकिन वही प्रकाश आर पार निकलेगा जो लेंस के हमारा प्रकाश केंद्र जो होता है उससे होकर के गुजरता है। दूसरा, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये देखो मैं आपको बता रहा था कि जो किरण मुख्य अक्ष के क्या होती है हमारी समांतर क्या होती है आपतित होती है, वह लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस दूरी के जिस फोकस या जिस फोकस से होकर जाती है या फोकस मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीक होती है। तो अभी जस्ट हम लोग इसको क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि जो किरण क्या होती है ये हमारा क्या होती है मुख्य अक्ष होती है भाई, हमारी क्या होती है मुख्य अक्ष होती है, ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली जो किरण होता है वो हमारा क्या होता है परिवर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु के है ना, या मुख्य जो अक्ष होता है उसके जिस बिंदु पर क्या होती है आपकी मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है आपकी मुख्य फोकस कहलाती है, या मुख्य फोकस के नाम से जानी जाती है। जस्ट इसी को हम लोग क्या कर रहे थे देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बता सकते हैं कि वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है आपतित होती है और परिवर्तित होने के पश्चात या अपवर्तित होने के पश्चात अपवर्तन के पश्चात जो है मुख्य फोकस है ना कि जिस बिंदु से क्या होती है जाकर के मिलती है वो हमारा क्या कहलाती है मुख्य फोकस कहलाती है। और ये जो हमारा क्या होता है जो किरण होती है वह किरण मुख्य फोकस से
होकर आती हुई प्रतीक होती है। मुख्य फोकस से मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा मुख्य फोकस है, उससे इस प्रकार से आती हुई क्या होती है आपकी, यहाँ से देखेंगे तो आती हुई क्या होती है आपकी प्रतीत होती है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ से जब आप देखोगे तो ये किरण क्या होता है, मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीक होती है। सेम इसमें क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है, ये हमारे मुख्य अक्ष होता है, जब इस अक्ष के समांतर कोई किरण क्या होती है आपका जाती है और अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है वो इस प्रकार से गुजर जाती है, तो मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीक होती है। मुख्य जो हमारा क्या होता है, ये जो फोकस होता है इससे आती हुई क्या होती है हमारी प्रतीक होती है, इधर से भी आती हुई क्या होती है आपकी प्रतीक होती है। तो आपको इसको अच्छा से क्या करना है, आपको जानना है क्या करना है, किस प्रकार से करना है। तो आपको क्या बोल रहा है कि कोई जो किरण होता है, कोई आपतित किरण जब क्या करता है हमारा मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाती है, तो आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात जिधर भी जाती है, तो वो जो किरण होता है वो कहाँ से हमारा मुख्य फोकस अर्थात एफ से आती हुई इस प्रकार से क्या होती है प्रतीक होती है। वही चीज़ यहाँ पर भी क्या किया गया है, बताया गया है। आगे हमारा दिया है, जो किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, मुख्य फोकस मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो किरण जो है मुख्य बिंदु यहाँ से क्या होती है हमारा फोकस होती है, और उसके बाद क्या होती है हमारी जो है आपतित होती है, या मुख्य फोकस की दिशा में क्या होती है हमारी आपतित होती है, वह किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आपको क्या बोल रहा है कि जो किरण मुख्य, ये हमारा जो क्या होता है जो फोकस होता है, इस फोकस में आपतित होती है, ये मुख्य फोकस बिंदु होता है उस पर क्या होती है आपतित होती है, जो अपवर्तन के पश्चात किसके समांतर हो जाती है हमारी, ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है समांतर हो जाती है। सेम यहाँ पर बोल रहा है कि वह किरण जो मुख्य अक्ष के क्या होती है हमारी जो है समान मुख्य अक्ष पर क्या होती है आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात, ये हमारा क्या होता है मुख्य अक्ष के क्या होती है हमारी, इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वह किरण जो मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, मुख्य फोकस पर क्या होती है हमारी आपतित होती है, और परावर्तन के पश्चात क्या होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको भी आपको जानना है। तो लेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात आइए हम उस संबंधित क्रियाकलाप करेंगे, बट उस क्रियाकलाप को हम लोग जो है बाद में करेंगे। फिलहाल इस क्लास को हम लोग यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं, और आने वाले क्लास में हम लोग क्रियाकलाप 6 को क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं।